IBN 7 हौसला है। आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण पर मचे सियासी घमासान के बीच बिहार के गया में 40 महादलित परिवारों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है। ये सभी परिवार बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के ही गृह जिले के रहने वाले हैं। ईसाई धर्म कबूल करने वाले परिवारों का कहना है कि गरीबी की वजह से उन्होंने अपना धर्मांतरण किया है। दूसरी तरफ शनिवार से हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद का 3 दिन का सम्मेलन शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस दौरान कई लोगों की घर वापसी हो सकती है। गया के अतिया गांव के करीब 200 महादलितों ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है। ये धर्म परिवर्तन गुरुवार यानी 25 दिसंबर को भगवान यीशु के जन्मदिन के मौके पर हुआ। अतिया गांव के काफी परिवार 2008 में ही ईसाई बन गए थे। धर्म बदलने वाले लोगों का कहना है कि गरीबी की वजह से इन्होंने ईसाई धर्म कबूल किया है। वो लोग के बच्चे जो नहीं पढ़ते थे, लेकिन इसमें वो कुछ प्रेरित हुए पढ़ाई की ओर। सबके बच्चे पढ़ते हैं, सबके साफ सुथरा लोग रहते हैं। शराब इसमें छूट गया, पहले छूट गया, जो जीवन जो है और संतुष्टि हम लोग के सही है, इससे हम लोग को बढ़िया फायदा है। धर्मांतरण का ये मामला सूबे के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के गृह जनपद का है, इसलिए इस पर सियासत भी तेज हो गई है। साथ ही धर्म बदलने वाले परिवार भी महादलित मांझी जाति के ही हैं। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मांझी ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि धर्मांतरण निजी आस्था का विषय है। कौन मुसलमान धर्म है, कौन हिंदू धर्म है, कौन ईसाई धर्म है, एकर कोई बहुत महत्व नहीं है। तू कोई धर्म माना कौन सा मतलब है। गया से हजारों मील दूर हैदराबाद में भी धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। शनिवार से हैदराबाद में BSP का 3 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म कबूलने वाले लोगों की घर वापसी कराई जाएगी। BSP का कहना है कि घर वापसी के मुद्दे पर बेवजह की सियासत हो रही है, ऐसे धार्मिक मामलों को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसमें कोई BJP का नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं, और दूसरा किसी पार्टी का किसी प्रधानमंत्री होने से भी ये धर्म वापस में हमारा हिंदू धर्म में ले आना ये बंद नहीं होगा। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन किया। हिंदू महासभा का कहना है कि 30 जनवरी को बड़े समारोह के साथ मंदिर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाई जाएगी। 30 जनवरी को ही गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मेरठ पुलिस ने इस मामले में हिंदू महासभा के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।